Okay, good morning, guys. Good morning, all of you. Bhagmi, Vandana, Muskan Soni, Muskan Agarwal, Ritik, Preeti Kore, Preeti Maheshwari, Avinash, Ritwik, Keshav, और भी कोई आ गया है तो गुड मॉर्निंग टाइप कर दें. सिद्धि, चलिए वेल इनाफ, जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं. ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पहला टॉपिक पढ़ा था हमने, जिसमें मेन था लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. उसके पॉइंट्स को रिकॉल करिए कि क्या क्या पॉइंट्स था वहाँ पे कॉस्ट मैनेज करता है. सेकेंड पॉइंट था इंटरनल फोकस है, एक्सटर्नल फोकस नहीं है. ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन पे सोचता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट को नहीं सोचता कि एक के बढ़ने से दूसरे जगह कम हो जाएगा क्या, वो नहीं सोचता. एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडर्न कस्टमर्स नहीं ध्यान रखता है. लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू ऑफ प्रोसेस एंड इम्प्रोवाइजेशन, देन रिलायबल एक्सेसिवली ऑन फाइनेंशियल डेटा, एंड देन इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. नेसेसिटी क्या है, यानी कि इम्पॉर्टेंस क्या है. इम्पॉर्टेंस ये कि ये पोजिशन को स्ट्रेंथन करेगा आपका, कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा जिससे आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो. कॉस्ट का इंटरलिंक आपको सजेस्ट करेगा. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन देगा कि जिससे आप स्ट्रेटजीज बना सके, इम्प्लीमेंट कर सके, मॉनिटर कर सके. फिर हमने पढ़ा टू वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और सुपीरियर परफॉर्मेंस, विच इज़ अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना. तीन तरीका से किया जा सकता है, क्वालिटी, इनोवेशन या सर्विसेज. और उसका रिस्क है कि वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम नहीं करेगा. दूसरा, कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर लेगा तो आपको पेटेंट करना चाहिए. इस समय प्राइजिंग स्ट्रेटजी क्या, तो आप स्कीमिंग करोगे या तो प्रीमियम प्राइजिंग करोगे. अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कर लियो तो दो बातें. पहली बात ये है कि आप प्राइस को बढ़ा सकते हो, अपना प्रीमियम को रिकवर कर सकते हो, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन लगा उसको रिकवर कर सकते हो. और दूसरा, आप प्राइस सेम रख के मार्केट शेयर कैप्चर करने का सोच सकते हो. देन है कॉस्ट लीडरशिप और लो कॉस्ट. कॉस्ट को कम करने का बहुत सारा उपाय है. एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मार्केट्स, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, बल्क कॉन्ट्रैक्ट, बल्क परचेज कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स. ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉयट करो. इसका रिस्क क्या है कि कॉस्ट लीडरशिप करते समय क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और दूसरा कॉपी भी हो जाएगा. तो आपको कंटिन्यूसली कॉस्ट रिड्यूस करके लो प्राइस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो कॉपी तो हो जाएगा, दूसरे लोग भी कॉस्ट रिडक्शन करने लगेंगे. कॉस्ट रिडक्शन एक बार अचीव हो जाए तो उसका भी स्ट्रैटेजिक एक्शन होता है कि आप प्राइस सेम रखकर हायर प्रॉफिट कमाओ या फिर प्राइस कम करके बेनिफिट को पास ऑन करके मार्केट शेयर कैप्चर करो. कुछ की रेशियोज़ आपको बताया था, फिक्स कॉस्ट रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो. फिक्स कॉस्ट रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो दोनों हायर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉलो हो रहा है. सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए पोर्टर्स का कहना है कि आप फोकस भी यूज़ कर सकते हैं बाई फोकसिंग इनटू नैरो और निश मार्केट, जहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है तो डिफरेंशिएशन दीजिए, और जहाँ पर लीडरशिप का ज़रूरत है, लो कॉस्ट का ज़रूरत है तो लो कॉस्ट दीजिए. जो वहाँ पे चाहिए वो दे दीजिए. ऑल राइट. वैसे पोर्टर का कहना है अल्टीमेटली कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सस्टेन कर पाता है जब वो वैल्यू ऑफर करता है अपने कस्टमर को, यानी कि कुछ भी डिफरेंशिएशन करे, ऐसा चीज पे करे जो कस्टमर को चाहिए. याद है मैंने आपको ऐसा बोला था कि वो अगर वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, यानी कि कस्टमर जो चाह रहा है वो दे पा रहा है, तो डिफरेंशिएशन है. एंड एट द सेम टाइम अगर वो वैल्यू क्रिएट करने का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है और कॉम्पिटिटर से बेटर कर पा रहा है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करता है. ठीक है, सो आप एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं
वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड मस्ट बी पॉजिटिव। To prosper in industry, a firm must supply what customer wants आप लोग लिख रहे हैं ना? टू प्रॉस्पर इन इंडस्ट्री अ फर्म मस्ट सप्लाई व्हाट कस्टमर वांट्स, दिस इज से नंबर वन। एंड नंबर टू, सर्वाइव कॉम्पिटिशन। टू प्रॉस्पर इन इंडस्ट्री अ फर्म मस्ट सप्लाई व्हाट कस्टमर वांट्स एंड सर्वाइव कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये ऐसी दो नया पॉइंट ऐड करा दिया फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू। बीए इज द सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री एक्स। Aviation industry in country X is growing fast. In 2011, 45 million people traveled to, from or within the country X. By 2020, that doubled to 100 million.
दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिबल टू 300 मिलियन बाई 2030। ऑल्सो बाई 2025 कंट्री एक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सो एक तो पीपल ट्रैवलिंग का बात कर रहा है और एक ट्रांसपोर्ट मार्केट का बात कर रहा है, बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, हाउएवर इट विल क्रिएट चैलेंजेस ऑल्सो फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री एंड इट्स इंडस्ट्री पार्टनर्स। गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट ब्रॉडर बिजनेस एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट शुड नॉट प्लेस हर्डल्स विच इनहिबिट ग्रोथ एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ बेनिफिट्स दैट एविएशन कैन डिलीवर टू द नेशन। गवर्नमेंट बहुत फेवर कर रहा है इंडस्ट्री को, द इंडस्ट्री, इट्स सप्लाई चेन पार्टनर्स एंड द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स हैव अ क्लियर मैंडेट टू वर्क इन कोलैबोरेशन टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ इंश्योरिंग दैट एविएशन इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स आर फुलफिल्ड। Despite of operating in world's fastest growing market, BA struggles for passengers. इसके बाद भी पैसेंजर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। Also, BA is facing following problems. Aviation turbine fuel prices constitute about 40% of operational costs in country X. 40% of operational cost is fuel cost and are taxed higher here than anywhere else in the world. Central government charges 14% duty on ATF while the state government pile on their own local tax that can go as high as 29%. The currency depreciation is hitting airline harder. About 25% to 30% of their cost excluding ATF are dollar denominated, from aircraft lease rents, maintenance costs to ground handling and parking charges abroad, etc. So currency depreciation is another problem. One problem here is high operational cost, another problem here is currency depreciation. With the entry of low budget carriers, full service carrier like BA that have high overhead cost have been forced to offer discount to passengers looking for great bargain. Low budget carriers aa gaye. Low budget carriers ka ek apna hi operate karne ka funda hota hai, jo jaise Indigo low budget carrier hai, theek hai, jo in flight aapko khana nahi dega, limited baggage allow karega. ऑल राइट, वो लोग रूट प्लानिंग भी बहुत इफ़ेक्टिवली करते हैं। रूट होता है ना एयरलाइंस का, एयरक्राफ्ट का भी रूट होता है ना, कि कौन सा फ्लाइट कितना देर कहाँ रुकेगा और फिर कहाँ चला जाएगा, बीच में हुआ तो हॉपिंग डेस्टिनेशन रखेंगे, जैसे कि कलकत्ता से बैंगलोर जाना है तो हैदराबाद होते हुए जाएंगे, तो हैदराबाद में भी फ्लाइट उतार के कुछ पैसेंजर यहाँ से चेंज करके वहाँ से चले जाएंगे। कोई डायरेक्ट सर्विस का भी ऑपरेट करता है, कोई वाया हैदराबाद भी ऑपरेट करेगा, ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। उनका एक अलग ही ऑप्टिमाइजेशन का फंडा होता है, पैसेंजर को लिमिटेड सर्विस देते हैं, जैसे खाना अंदर में चार्जेबल होता है, बैगेज का एक लिमिट होता है उसके ऊपर वो चार्जेबल होता है, ठीक है, बहुत लिमिटेड बैगेज अलाउ करते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा बैगेज होने से एयरलाइन में वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाने से फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो फ्यूल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो लोग बैगेज को लिमिट कर देते हैं। फिर उनका कनेक्टिविटी जो होता है ना एक एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट, वो बहुत तगड़ा होता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी आर अमोंग द एरियाज दैट कुड फर्दर एनहेंस कंट्री एक्सेस कॉम्पिटिटिवनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years हैज़ राइजन, तो ये तो पॉजिटिव बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस।
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या है, जैसे कोई गवर्नमेंट होता है ना टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा चीज़ बनाते रहता है अपने स्टेट में या सिटी में, पॉपुलर सिटीज़ में। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा सारा स्टैचू बना। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स बनाते रहते हैं जिससे टूरिज्म इनवाइट हो और बाहर के लोग भी हमारे देश में आए। द इंटेंस कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरियर्स, द नीड टू कैप्चर अ स्लाइस ऑफ द एवर एक्सपेंडिंग मार्केट एंड पैसेंजर प्राइस सेंसिटिविटी मेक्स द एयरलाइंस डिफिकल्ट टू रेज टिकट प्राइस। पैसेंजर का प्राइस सेंसिटिविटी है और इंटेंस कॉम्पिटिशन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन में जो भी आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, प्रॉब्लम्स लग रहे हैं या कोई पॉजिटिव बात लग रहा है, उसको हाईलाइट करते रहना चाहिए, जिसको आपको आंसर में भी ज़रूरत पड़ने पर कोट करना पड़ सकता है। टुगेदर दीज फैक्टर्स हैव नाउ प्लंज्ड कंट्री एक्सेस एविएशन इंडस्ट्री टू इट्स मोस्ट प्रिकेरियस फेज इन द लास्ट 3 ईयर्स और सो। बीए इज फेसिंग ह्यूज कॉम्पिटिशन एज ए ईयर ऑफ शार्प यू टर्न्स फॉर एक्सेस एविएशन इंडस्ट्री फ्रॉम रिकॉर्ड प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 1920 टू मेगा लॉसेस रिजल्टिंग इन डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन। बी ए हैज़ बिन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट फॉर अ डिकेड फॉर रिडक्शन इन टैक्सेज ऑन फ्यूएल बट ऑल इन वेन। ATF एयर यानी वही फ्यूएल, एयरबाइन एविएशन टर्बाइन फ्यूएल इज़ 35 to 40% मोर एक्सपेंसिव इन कंट्री एक्स देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हाई टैक्सेस। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन का सिनेरियो पूरा समझ में आया कि यहाँ पे ह्यूज कंपटीशन है और इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। कि वो अपील कर रहा है रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन फ्यूल बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। रिक्वायर्ड क्या है? एडवाइज अ स्ट्रेटजी दैट बीए शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। सो स्ट्रेटजी फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस दो ही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। मैंने आपको बोला था ना एक चीज़, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप में प्राइस सेंसिटिव मार्केट में क्या काम करेगा, याद है क्या आपको? प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम क्या करेगा? प्राइस सेंसिटिव मार्केट में क्या काम करेगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन काम करेगा कि कॉस्ट लीडरशिप काम करेगा? एक्चुअली कॉस्ट लीडरशिप काम करेगा, बट जब भी एडवाइस लिखते हैं ना, तो एडवाइस में कभी भी एक ही बात नहीं करते, हमेशा एडवाइस में ऑल फैक्टर्स बताते हैं, जितना पॉसिबल रास्ता है बताते हैं, उसका प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, और फिर आप चाहो तो कंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सिनेरियो के स्पेसिफिक एट लास्ट क्या होना चाहिए वो आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, बट पॉइंट इज आपको ऑल फैक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। वेरी गुड। अविनाश बोल रहे सर डेकन एयर भी तो एग्जाम्पल है। डेकन एयर तो ख़त्म हो गया ना, अब नाम नहीं लेते उसका, एग्जाम्पल था, अब इंडिगो है, स्पाइस जेट है, तो जिंदा है उसका ही बात करें। ठीक है, सो इसका आंसर हम लोग को लिख के प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला ना जैसे हर चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ केस स्टडी लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी को पढ़ लेंगे, हम लोग लिख के भी कर लेंगे, जिससे हमारा रिटर्न प्रैक्टिस भी होता रहेगा साथ साथ। हर चैप्टर में कम से कम एक या दो तो आएगा ही आएगा पूरा लिखने का, कहीं कहीं मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। चलिए कॉपी में आ जाइए। पॉइंट ये है कि जब भी आप एडवाइज़ करोगे तो सारे फैक्टर्स को दिखाओगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस सेंसिटिव पढ़ लिया तो मैंने सर कॉस्ट लीडरशिप के बारे में लिख दिया। तो ये सब छोटा छोटा
पिक्युलैरिटी है आंसर्स लिखने का, जिसको समझने का कोशिश करना है आपको। कॉपी में आ जाइए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन टू पेज नंबर लिखिए, यहाँ पे चाहो तो टॉपिक लिख सकते हो। टॉपिक अभी है सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हर आंसर में कोशिश करके पहले दो तीन लाइन इंट्रो का लिखोगे। इंट्रो में जो कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है उसके बारे में दो लाइन लिखोगे। एज पर माइकल पोर्टर, पोर्टर्स थ्योरी कॉमा अ फर्म डिराइव्स इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरे साथ साथ लिखिए फटाफट। एज पर माइकल पोर्टर्स थ्योरी अ फर्म डिराइव्स इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फ्रॉम द वैल्यू इट ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू। To prosper, the firm must meet two criteria. Does they can supply what customer wants? एंड सर्वाइव कॉम्पिटिशन। सर ये इंट्रोडक्शन नेसेसरी था क्या? नेसेसरी बोलकर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इंस्टीट्यूट इज़ क्वाइट रिजिड इन मार्किंग, सो मे बी हो सकता है मार्किंग पैटर्न में इसका एक मार्क एलोकेटेड हो, इसलिए वो एक मार्क के लिए मैंने लिखवा दिया। हालांकि कोई बहुत बड़ा नीड नहीं है, वी डोंट नो कितना वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंध इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेड आंसर में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको दे दिया। और इसी को लेके दो पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन अभी बताते समय, इस क्वेश्चन के पहले जब मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझा रहा था, रिविज़न जब करा रहा था, इसी पैराग्राफ का एक क्रक्स आपको ऊपर में लिखा दिया था कि मेन क्या है, वैल्यू क्या ऑफर कर रहे हो आप, और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू क्या है, और दूसरा सप्लाई करो व्हाट कस्टमर वांट्स, और सर्वाइव करना पड़ेगा कंपटीशन। बहुत लोग गाना गाते रहते हैं ना कि कंपटीशन आ गया कैसे चलेगा, अब कैसे चलेगा अगर ये नहीं सोच पाओगे तो बंद हो जाओगे। तो कस्टमर जो चाहता है वो दो, और कॉम्पिटिटर्स तो आएंगे ही, ये दोनों नॉर्मल चीज़ है, तो दोनों को सर्वाइव करना पड़ता है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, टू अटेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दीज आर टू वेज ऑफ अटेनिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
अ कैन वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्पिटेंसीज। अ फर्म कैन वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्पिटेंसीज। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट ऑकर्स वेन द कस्टमर्स परसीव दैट द फर्म इज ऑफरिंग That the firm is offering higher quality of services in an innovative way and has higher responsiveness as compared to the competitors. देखा वो तीन पॉइंट जो समझाया था, क्वालिटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे सेंटेंस में पिरो दिया, सेंटेंस में कनेक्ट कर दिया। अब सिर्फ खाली थ्योरी थ्योरी लिखोगे और केस स्टडी से एकदम कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई एग्जांपल कनेक्ट करना इन रिगार्ड टू एविएशन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, लाउंज सर्विसेज, नो वेटिंग लाइन और एनी काइंड ऑफ प्रीमियम सर्विसेज that provide unique customer value and experience। कस्टमर को वो पसंद भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आपने बनाया और आप बोलेंगे हमने तो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पैराग्राफ। अदर वेज ऑफ अचीविंग डिफरेंशिएशन कैन बी प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स एट एयरपोर्ट्स। जितना दूर होगा ना लैंडिंग स्लॉट, उतना फिर टाइम लगता है ना बाहर निकलने में। वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन एयरक्राफ्ट कंफर्टेबल सीटिंग हाईली ट्रेन्ड कस्टमर केयर स्टाफ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट इन फ्लाइट क्वालिटी फूड बेवरेजेस एक्सेट्रा। ये जो नया नया एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आपके आंसर में। अब ये सर हम लोग कैसे क्रिएट करें? ये क्रिएट अपना मन से ज़्यादा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और ये सब आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ता है। तो सर एग्ज़ाम में कुछ और ही आ गया तो वो नसीब ख़राब है हमारा। उस समय तो मन से ही क्रिएट करना होगा, और वहाँ भिड़ गया तो भिड़ गया। उस समय मान लीजिए कम से कम जो कॉमन नोट्स है, आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन नोट्स है, इसका तो मार्क्स उठाइएगा। एग्जाम्पल मैच हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यहाँ पे से जो मैंने बातें लिखी हैं, ये थोड़ा सा अच्छा बात है, एग्जाम्पल्स है जो आपको एयरलाइन का कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर यूज़ करना चाहिए। फिर लिखिए कस्टमर वैल्यू कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी। अच्छा एडवर्टाइजमेंट अगर आप क्वालिटी को शो करके करते हो ना, तो कस्टमर अच्छा फील करता है कि हम इस एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर the cost of creating such value cannot be ignored
इफ द मैनेजमेंट ऑफ बीए इफ द मैनेजमेंट ऑफ बीए इज सक्सेसफुल इन डिफरेंशिएटिंग इट कैन ईदर इंक्रीज इट्स प्राइस टू ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दस मेंटेन द करेंट मार्केट शेयर कॉमा और प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम टू कैप्चर मोर मार्केट, मतलब जो प्राइस होना चाहिए उससे कम चार्ज करके थोड़ा मार्केट कैप्चर किया जा सकता है। याद है ना आपको वो दो पॉइंट मैंने बताया था, स्ट्रेटेजिक एक्शन, प्राइस बढ़ा लो या फिर प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम। Alternatively, BA may focus on a niche market that is a specific geographical region, a specific geographical region short distances routes that has lower cost of operations वही निश मार्केट की बात कर रहे हैं। And can provide differentiated features to that market.
यूजुअली लार्ज फर्म्स टेंड टू इग्नोर दैट मार्केट However, there is always a risk that large firms can also enter and devastate the market once they find it attractive. जैसे कभी आप जाके काम करने लगे उस मार्केट में तो किसी लार्ज फर्म का बाद में नज़र पड़ गया तो वो भी घुस गया, डिवास्टेट कर दिया. डिवास्टेट वो कैसे करते हैं, जैसे जियो आके डिवास्टेट कर दिया मार्केट को, वैसे लार्ज फर्म जाके डिवास्टेट कर देता है. वहाँ पे ऐसा प्राइस पे ऑफर कर देता है कि फिर लोग सोचते हैं कि जब प्राइस बराबर ही लगना है तो प्रीमियम को अवेल करें ना. तो यहाँ पे फोकस है, निश मार्केट है, ज्योग्राफिकल रीजन है, लो कॉस्ट होगा, डिफरेंशिएटेड फीचर्स होगा. यहाँ पे भी रिस्क है लार्ज फर्म्स का. सेकंड पॉइंट में आ जाओ. कॉस्ट लीडरशिप. और लो कॉस्ट एडवांटेज. BA can enjoy low cost advantage by ensuring optimum utilization of its aircrafts स्वप्नरनी पूछ रही है आप बीच बीच में रुक क्यों जाते हो. मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लिख रहे हैं कि कहीं मैं फास्ट तो नहीं हो गया, इसलिए मैं रुक जाता हूँ आपको थोड़ा सा देखने के लिए कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है. मुझे आपका स्पीड का अंदाज़ा नहीं है लिखने का, इसलिए मैं बीच बीच में पॉज दे देता हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ते भी रहें साथ साथ कि क्या लिख रहे हैं. बहुत बार लिखते लिखते ना माइंड में क्या कुछ जा नहीं रहा है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो आप लिखते लिखते थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहे. सर रुके हैं तो एक तो जो स्लो लिखते हैं उनको बराबर में लाने के लिए, और सर रुकते इसलिए भी है जिनका लिखना हो गया वो एक बार ऊपर का पढ़ते भी चलें. बी ए कैन इन्जॉय लो कॉस्ट एडवांटेज बाई इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट्स मॉडर्न
कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सेलिंग टिकट्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, पेपरलेस टिकट्स, नो फ्री मील्स एंड ड्रिंक्स, इसको अपने नो फ्रिल्स भी बुलाते, एक वर्ड है फ्रिल्स, कभी यूज़ करने को लगे तो यूज़ कर सकते हो, नो फ्रिल्स। एफिशिएंट ऑपरेशंस, एंड टर्न अराउंड टाइम। जैसे ये क्या होता है, एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड टर्न अराउंड टाइम, जैसे कि टाइम पे फ्लाइट उड़ना, टाइम पे पहुंचना। नो एक्सेप्शन पॉलिसीज़, नो एक्सेप्शन पॉलिसीज़ का मतलब किसी भी कीमत पे किसी के लिए फ्लाइट रुकेगी नहीं। नो एक्सेप्शन पॉलिसीज़ फॉर एनी पैसेंजर्स। एग्जाम्पल, अराइविंग लेट, कोई लेट आ रहा है तो उसके लिए फ्लाइट नहीं रोकेंगे। एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, बट एयरलाइंस का आगे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। सो कैसे कॉस्ट लीडरशिप अचीव किया जा सकता है? फिर वंस कॉमा बीए इज एबल टू अचीव लो कॉस्ट एडवांटेज, तब वो क्या किया जा सकता है? दो बात था ना, स्ट्रेटजिक एक्शन। इट कैन ईदर चार्ज अ लोअर प्राइस, इट कैन ईदर चार्ज अ लोअर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, टू गेन मार्केट शेयर, इट कैन ईदर चार्ज अ लोअर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स टू गेन मार्केट शेयर, और चार्ज द सेम प्राइस एज इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको याद है सब कुछ ऐसे ही पढ़ा था आपने, उसी को पूरा पूरा लिखना पड़ता है, अधूरा लिखने से नहीं होता। फिर इसका रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज अ रिस्क दैट अदर कॉम्पिटिटर्स विल ऑल्सो ट्राई टू बिकम कॉस्ट लीडर। आपके जैसा और भी लोग आ जाएगा।
एंड हेंस दिस लो कॉस्ट नीड्स टू बी सस्टेन्ड needs to be sustained without compromising the quality. अब लो कॉस्ट करने गए, मान लीजिए एयरक्राफ्ट में कॉकरोच घूम रहे हैं, सफाई नहीं होता है, तो गड़बड़ चीज़ है ना। बेसिक चीज़ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो आपने क्या क्या बताया, देखिए आपने एग्जांपल्स बता दिया यहाँ पे कितने सारे, ये सब जैसे उस पार्ट में भी था, ये सब कुछ आपने एग्जांपल्स क्रिएट किए। फिर सेकंड आता है कि आप लो कॉस्ट एडवांटेज अचीव करने के बाद लोअर प्राइस चार्ज करो या फिर सेम प्राइस चार्ज करो। फिर रिस्क भी है, कॉम्पिटिटर्स आएंगे और आपको लो कॉस्ट सस्टेन करना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ओके, फिर एज द पैसेंजर्स इन कंट्री एक्स, याद है उसका चैलेंज को सॉल्व करो, एडवाइस मतलब थोड़ा सा उसका जो प्रॉब्लम्स था उसको एड्रेस करो, आर मेजरली प्राइस सेंसिटिव कॉस्ट लीडरशिप कैन बी एन एडवाइजेबल अप्रोच फॉर बी ए टू बी एबल टू लोअर इट्स प्राइसेस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट more customers. In order to attract more customers. ठीक है, so price sensitive का जो challenge था उसको हमने address कर दिया। और भी एक challenge था, country X का जो dollar, सॉरी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा था, तो उसको भी लिख रहे हैं। इन एडिशन एज द करेंसी ऑफ कंट्री एक्स इज डेप्रिशिएटिंग As the currency of country X is depreciating, comma, BA should attempt to increase the domestic operations मोर, क्योंकि मेजर जो कॉस्ट था उसका वो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑपरेशंस कॉस्ट ही था, पार्किंग, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट लीज तो अवॉइड नहीं कर सकते आप, बट कोशिश करके डोमेस्टिक ऑपरेशंस मोर करोगे तो बाहर में डॉलर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एक और था वो एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल राइज करे और गवर्नमेंट सुन नहीं रहे तो क्या करें, फॉर इंक्रीजिंग fuel rates BA can invest in
फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स। हाउएवर देयर मे बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस एंड इट शुड be able to generate real cost benefits। मतलब उससे ऐसा ना हो कि आप बस एफिशिएंट एयरक्राफ्ट लेने चले गए और बाद में पता चला कि हम तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया कि सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ता है। एडवाइस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो पूछा एग्जैक्टली वही बोलना है। यू विल हैव टू एड्रेस ऑल द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही हर आंसर आपको मिलेगा। वो एक लिखने से क्या होता है ना, माथा खुल जाता है। ये लिखा, आपका माइंड ओपन हो गया, अब आप हर क्वेश्चन को उस एंगल से देखने का कोशिश करोगे। अच्छा, एक पैराग्राफ और है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी एक बार लिखा दे रहा हूँ। आप एक बार लिखने के लिए लिख लीजिए। सिंस ये एक सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट इम्प्रूव करने का एक और तरीका होता है, वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट में, बट हम चाह रहे कि एक पैराग्राफ हम उसके बारे में भी लिख दें। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बीए में ऑल्सो असेस वैल्यू शॉप मॉडल। ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए ही होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का जब तक कि सोल्यूशन ना आए तब तक आप इटरेशंस करते रहिए, और फिर अगर आ जाए सोल्यूशन तो नया प्रॉब्लम खोज के कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। टू डिलीवर द सोल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक कस्टमर प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक कस्टमर प्रॉब्लम्स इन दिस वे द अबव डिस्कशन कैन हेल्प बीए टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ठीक है। वैल्यू शॉप मॉडल सिंस अभी पढ़ाया नहीं हूँ तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ, बस अभी एक ही बात है कि वो एक ऐसा मॉडल है जो स्पेसिफिक कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेड आंसर्स देखोगे ना तो वो और लेंदी मिलेगा आपको, इट विल बी मोर लेंदी। मैंने थोड़ा मिनिमम वे में आपको लिखाने का कोशिश किया है। कंप्लीटनेस आप देख रहे हैं कैसे आता है आंसर का। पहले आपने क्या लिखा, छोटा सा इंट्रो, फिर कैसे आएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिखते लिखते ही मैंने फोकस के बारे में, निश मार्केट के बारे में बात कर दिया। आप निश मार्केट का पॉइंट को कॉस्ट लीडरशिप के बाद भी लिख सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि पॉइंट्स जो लिखना है ना वो ऑर्डर में लिखना है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है, कोई कोई मॉडल ऐसा होता है जिसमें स्टेप्स होते हैं तो वो उसका बात अलग है, बट जहाँ स्टेप्स नहीं है वहाँ पे आप पॉइंट्स ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। मतलब आप ये करेंसी वाला पॉइंट डिप्रिशिएट हो रहा है ऊपर भी लिख सकते हो,
आप चाहो तो फ्यूल के बारे में ऊपर में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ के बारे में जब लिख रहे हो तो एक चीज़ को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चीज़ में जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ में जैसे ही जा रहे हो तो पैरा वैरा चेंज कर दो। हर प्रॉब्लम को छूना होता है, यही मैं बोलना चाह रहा था। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते रहेंगे और फिर आंसर में जाएंगे ना, तो एडवाइस जब बोलता है तो ऑल फैक्टर्स टच करने हैं। ट्राई टू टच ऑल द चैलेंजेस, टच ऑल चैलेंजेस। हर एक को लेकर आपको आंसर में एक एक पैरा बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड है, अगर आप ये जानेंगे तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी होगा आगे जाकर। अब बताएं, सब ठीक है? आपने लिख लिया? थोड़ा यस सर बोल दें। साइज देख के घबराए नहीं, जज ना करें, सोचे ऐसा भी पढ़ने को मिला, वाओ वाओ फैक्टर लाएं कि अच्छा लग रहा है, हाँ लिखा तो समझ में भी आया, ऐसे सोचें। हो सकता है एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे थोड़ा और अपने आप छोटा हो जाएगा, बट पूरा मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, हर पैरामीटर्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। रिस्पॉन्ड करते रहेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। देखिए थोड़ा तो चैलेंज मेरे लिए भी है ना, चैलेंज मेरे लिए भी है ना पढ़ाना ऐसे बिना स्टूडेंट सामने हुए हुए, तो सब चीज़ तो अजम्पशन पे नहीं पढ़ा पाते ना। अगर आप लाइव नहीं है तो मेरे को कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है, बट अभी आप लाइव हैं तो मैं तो आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता ना। सर एग्ज़ाम में पेज पर्सपेक्टिव है क्या? हम अपने सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं? सारे पॉइंट्स मेंशन करने ही पड़ेंगे। अब वो है कि कितना लंबा लिखना है वो आपके हाथ में समय डिसाइड करता है, ठीक है। एग्ज़ाम में समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट मेन जो कंसर्न है कि आपका सारा पॉइंट्स टच होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 में आते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 भी लिखने का काम है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। आई थिंक 3 से भी हाँ लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। सी इसी बार आपके साथ ऐसे काम किया जा रहा है, पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स को पता चलेगा ना बड़ा नाराज़ हो जाएंगे कि हम लोग के तो इतना लिखा ही नहीं। वायरलेस इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स। द कंपनी ऑपरेट्स इन अ मार्केट दैट इज डायनामिक, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर सेंट्रिक। मार्केट कैसा है देखो, ध्यान से समझो। मुझे पता था कोई ना कोई के मन में एक सवाल आएगा, सर ये कितने मार्क्स का आएगा। ये सवाल हर क्लास में हर सम करने के बाद बच्चों का आता है। वायरलेस इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स, द कंपनी ऑपरेट्स इन मार्केट दैट इज डायनामिक, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर सेंट्रिक। द मार्केट इज ब्रॉडली फ्रेगमेंटेड इन टू दोज कस्टमर्स हु आर प्राइस कॉन्शियस, लुकिंग ओनली फॉर बेसिक फीचर्स, एंड दोज हु आर टेक्नोलॉजी शेवी, वॉन्टिंग टू ट्राई आउट द लेटेस्ट ऑफरिंग। वायरलेस मैन्युफैक्चरर्स फोन्स दैट केटर टू बोथ द सेगमेंट्स। देखिए दो तरह का सेगमेंट है, एक प्राइस कॉन्शियस है जिसको बेसिक फीचर चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी सेवी है जिसको लेटेस्ट चीज़ चाहिए। तो दो तरह का कस्टमर हो गया,
फीचर सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव। और वायरलेस बोलता है हम ऐसा फोन बनाते हैं जो दोनों को केटर करता है। ठीक है, मोबाइल ए हैज़ द वेरी बेसिक फीचर्स दैट अ कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम अ फोन। इट इज़ मार्केटेड टू अट्रैक्ट प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स। सी, ये सब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो डिस्कशंस भी किए थे वो रेलिवेंट था कि नहीं था। मैं आपको बोला ना, मैंने जो डिस्कशन भी आपके साथ बनाया है ना, वो भी बहुत सोच सोच के बनाया है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको सब क्वेश्चंस भी नेचुरल लगेगा। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के लिए मोबाइल ए बनाया गया है। इट इज़ मार्केटेड टू अट्रैक्ट प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। देर आर मेनी अदर मैन्युफैक्चरर्स हु हैव सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर दिस मार्केट। मोबाइल जेड ऑफर्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स एंड एन अट्रैक्टिव डिज़ाइन। वायरलेस हैज़ इन्वेस्टेड सब्सटैंशियल अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट हैज़ रिजल्टेड इन मोबाइल जेड हैविंग मैनी यूनिक फीचर्स। तो रिसर्च से मोबाइल जेड बना। इट इज़ मार्केटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विलिंग टू ट्राई आउट न्यूअर प्रोडक्ट्स। रिसर्च हैज़ ऑल्सो यील्डेड रिजल्ट वेयर बाई अ लार्ज सेक्शन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ मोबाइल ए एंड जेड कैन बी स्टैंडर्डाइज टू हैव अ सिमिलर कॉम्पोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग। ये कॉस्ट सेविंग तरीका होता है स्टैंडर्डाइजेशन से। दिस वुड एनेबल वायरलेस टू एंटर इन टू अग्रीमेंट्स विद इट्स सप्लायर्स टू प्रोवाइड कॉम्पोनेंट्स जस्ट इन टाइम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन शेड्यूल। ये सब कॉस्ट रिडक्शन का तरीका होता है कि आप स्टैंडर्डाइज कॉम्पोनेंट्स पहले बना लो जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज़ होगा, और फिर तो स्टैंडर्डाइज कॉम्पोनेंट का बल्क ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जस्ट इन टाइम का थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो जस्ट इन टाइम में हम लोग अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक ही सप्लायर से काम करते हैं, ऐसे सप्लायर जो आस पास होंगे हमारे आस पास, और उनको बोलेंगे कि आप जब मैं बोलूँ तब सप्लाई करिएगा और जितना मैं बोलूँ उतना ही सप्लाई करिएगा। विद दिस चेंज द क्वालिटी ऑफ मोबाइल ए इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव देयर बाई इम्प्रूविंग इट्स सेल्स ऑफ टेक मैनी फोल्ड। ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ गिवन कम्प्लीट एक्सेस टू द हैज़ गिवन कस्टमर्स कम्प्लीट एक्सेस टू द प्राइसेज ऑफ फोन्स ऑफर्ड बाई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। दिस चैनल ऑफ शॉपिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सेल्स एंड दिस इज़ अ रियल फैक्ट। फैक्ट सारे रियल ही होते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। वर्ड हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं रियल फैक्ट, तो रियल फैक्ट दोनों साथ में जाता नहीं है। फैक्ट मानी रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट, इट्स नॉट अ रियल फैक्ट। ह्यूज डिस्काउंट्स बाय इट्स राइवल्स हैज़ फोर्स्ड वायरलेस टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ मोबाइल ए एज वेल। इतना डिस्काउंट दे रहे राइवल लोग तो ए का भी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। दिस हैज स्ट्रेस्ड इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स। वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स हैव बीन इनिशिएटेड टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। मोबाइल जेड ऑन द अदर हैंड इज करेंटली डूइंग वेल सिंस इट इज टारगेटेड एट अ मोर निश सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। वायरलेस इज एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइस फॉर मोबाइल जेड। तो ए सफर कर रहा है बट जेड में प्रीमियम हम चार्ज कर पा रहे हैं क्योंकि वो निश सेगमेंट पे फोकस्ड है। लेटेस्ट न्यूज इन द इंडस्ट्री ऑफ पर्सनल डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स लैपटॉप एक्सेट्रा इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा हुआ, मान लीजिए जैसे एप्पल में रहता है, एप्पल के फ़ोन्स में रहता है कि अगर मैं फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करके रखा हूँ और मेरे कार में ब्लूटूथ ऑन है, जैसे ही फ़ोन कार में ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, जैसे कार में बैठते हैं
फ़ोन कार से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिना बोले अपने आप कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही उसको समझ में आ जाता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वो लोकेशन का डेटा को मेरा स्टोर करके समझ जाता है कि जैसे सुबह कार में बैठता हूँ तो दिखा देता है मैप में कि मेरा ऑफिस अभी कितना देर में मैं पहुँच सकता हूँ। वैसे ही जैसे ही रात में बैठता हूँ तो उसको सब पता है कि रात हो चुका है तो ये घर जा रहा होगा, तो अभी घर जाने के लिए कितना समय लगेगा, मैप दिखा देने लग जाता है तुरंत। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जाए। और भी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर, जैसे कि आप जब मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो आप जो वर्ड्स को टाइप करते हैं वो उसको मेमोरी बैंक में स्टोर कर लेता है, और फिर जब आप टाइप करने लगते हैं तो वो प्रेडिक्ट करके बताता है कि क्या नेक्स्ट वर्ड ये है, कीबोर्ड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आता है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या हुआ? ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा फीचर होता है कि आपको मोबाइल के अंदर रियल दुनिया जैसी कुछ दिखेगी जो एक्चुअली में आप नहीं हैं। एक एग्जांपल है उसका, VR करके एक यूट्यूब का ऐप भी है, यूट्यूब VR, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं उसको, कि गेम्स के तरह भी यूज़ होता है। बट फ्यूचर में ऐसा चल रहा है बातचीत कि आप जैसे कोई ऐसा एक ग्लास है, वो ग्लास ऑस्क्यूलर रिफ्ट नाम है उसका, ऑस्क्यूलर रिफ्ट, उसको अगर आप पहन लोगे, उसमें मोबाइल का स्क्रीन डाल दोगे, मोबाइल मतलब मोबाइल उसमें घुस जाता है ऐसे, ये मोबाइल अगर, तो मोबाइल उस ग्लास का, में बड़ा सारा ग्लास होता है, मैंने भी एक लिया हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे पास, यूज़ नहीं करता हूँ, उसमें ऐसे मोबाइल को डाल दो तो मोबाइल आपका 3D स्क्रीन जैसा बन जाता है। और फिर कुछ ऐप्स हैं उसमें अगर आप काम करोगे, तो बात ऐसा चल रहा है, अभी जियो इसके ऊपर काम कर रहा है फेसबुक के साथ कोलैबोरेट करके, कि आप जैसे किसी दोस्त से बात करो फ़ोन पे, तो आप उसका घर को देख सकते हो, या उसने कोई सेटिंग किया होगा अपने ऐप वैप में, तो जो वो बैकग्राउंड सेटिंग किया हुआ है वो एक्चुअली आपको दिखेगा। आपको जैसे अपने अभी गूगल मीट में ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर पाते हैं ना, तो उसी तरीके से आप अपना एक बैकग्राउंड बना सकते हो, 3D बैकग्राउंड, और 3D में आप उसको देखो मोबाइल में और बात करो, मतलब आप कैसा भी कुछ भी कर सकते हो, नेचुरल रियल ये सब चीज़ पे वर्किंग चल रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ लाइक VR, वर्चुअल रियलिटी, VR गेम्स तो आते ही हैं। ओके, द टेक्निकल स्टाफ एट वायरलेस फील्स दैट दिस कुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर दैट कुड रियली चेंज द वे वी यूज़ आवर डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ विच कुड इवन गो रिडंडेंट। यस, जब ये आ जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी अच्छे से, तो हम लोग को फिर से अपना मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, हर एक में वो फीचर होना ही पड़ेगा, ये ट्रू है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही कुछ और बताता हूँ। आपको पता है ये कंपनी है ना, जो अपना वीवो, ओप्पो, कौन सा कंपनी बनाता है पता है क्या? मालूम है क्या? वीवो, ओप्पो, ये कौन सा कंपनी बनाता है? वन प्लस। जैसे ओप्पो और वन प्लस, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है। अब ओप्पो एक ऐसा सेगमेंट के लिए बना दिया गया जो प्राइस सेंसिटिव है, वन प्लस थोड़ा सा फीचर सेंसिटिव सेगमेंट के लिए लोगों ने अलग ही ब्रांड बना दिया, बट है दोनों एक ही कंपनी का, समझे? तो इस तरह से ये मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम दोनों तरह के सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर सकें। आजकल तो क्या वो सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट है ना,
जैसे होल्डिंग कंपनी बनाओ और उसके सब्सिडियरीज बना दो, जैसे एक बन गया रियलमी, दूसरा बन गया वीवो, तीसरा बन गया ओप्पो और लास्ट बन गया वन प्लस। समझ में आ रहा है? और एक वैसे फोन है, एक और फोन है इसका इकू। ये सब एक होल्डिंग कंपनी है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, इकू, ये सब बनाता है। आप लोगों को तो सब पता ही है भाई साहब, गजब। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब बनाता है और सबका अलग अलग ब्रांड नेम बना दिया। क्यों बनाता है? ये चीज़ एक ही है सबका। क्या होता है फायदा? देखो, स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं कंपोनेंट्स का, तो बल्क में सप्लायर से एक ही कंपोनेंट्स खरीदते और सब में काम आ जाता है। खाली फीचर्स ही तो चेंज करना। और ये लोग क्या करते हैं, पहले इसमें डाल के देखेगा रिस्पॉन्स कैसा आया, टेस्ट कर लेता है लोअर सेगमेंट पे, इस पे डाल के देखेगा रिस्पॉन्स कैसा आया, इस पे डाल के देखेगा रिस्पॉन्स कैसा आया, ठीक है, या उल्टा भी करता है कभी कभी। कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं ना, तो इस पे डाल के देखता है रिस्पॉन्स अच्छा आया तो सब में डालना शुरू करता है, इधर से नीचे भेज देता है। कभी कुछ लोग पुश करते हैं नीचे डाउन स्ट्रीम में, कुछ लोग डाउन स्ट्रीम से टेस्टिंग कर करके अप स्ट्रीम में उसको और एनहेंस करके डाल देते हैं। तो वन प्लस क्या हो गया, थोड़ा प्रीमियम फ़ोन हो गया इनका। और होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना वीवो नहीं लेगा, वन प्लस लेगा, वो अच्छा फ़ोन है। बीबी के बोलता है बेटा जो लेना ले, दोनों अपना ही फ़ोन है। समझे? तो उसी तरीके का ये स्ट्रेटेजी हो गया ना, मोबाइल ए और मोबाइल जेड, एक उस मार्केट के लिए, उस मार्केट के लिए। तो कहाँ पे क्या चलेगा, यू नेवर नो। ओके, आगे पढ़ो। सो पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी दैट वायरलेस इज यूजिंग फॉर मोबाइल ए एंड मोबाइल जेड। सो स्ट्रेटजी दैट दे आर यूजिंग फॉर मोबाइल ए इज, वेरी गुड, मुस्कान हैज ऑलरेडी आंसर्ड, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड मोबाइल जेड के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज हो रहा है। नाउ द स्किल वर्ब हियर इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब बस नाम बता दो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज स्ट्रेटजी। डिस्कस करो रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज। तो रिस्क मैंने आपको लिख बताया था ना, रिस्क क्या है, तो उसके बारे में बात करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, एडवाइज़ करो वायरलेस टू सस्टेन इट्स करेंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए। तो एडवाइज़ करो मतलब कैसे सस्टेन करें, वो प्राइस इतना लो करना पड़ रहा है तो कैसे सस्टेन करें, टू सस्टेन आप क्या क्या उपाय बता सकते हो, हाउ टू एक्चुअली अचीव कॉस्ट लीडरशिप, वो आप बता सकते हो। देखो, इसका आंसर आपका बहुत ऑब्वियस है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, लिखना एक होता है, ऑब्वियस है, ओ वाह ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट कर लेंगे ही एग्ज़ाम में आपको धोखा देता है। मैं आपको एक एकदम राज की बात बता दूं, जिस क्वेश्चन को देख के मन में ये आया कर लेंगे हो जाएगा हो जाएगा, जब तक एक बार किए ना हो, अगर किसी क्वेश्चन को देख के ऐसा मन में आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना नया नया, ओ ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और उसने उसको आपने अभी तक एक बार भी किया नहीं है, जिसको देख के मन में आ रहा है वो भाव, समझ लेना वही क्वेश्चन अगर सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ गया तो नहीं होगा। इसलिए कई बार लिख के करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे माइंड सजता है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर डैश। सर ऐसे आप सारा क्वेश्चन हम लोग को थ्योरी का लिखाएंगे, माथा खराब है क्या? सारा नहीं बट काफ़ी लिखाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए और बेहतर तैयार हो पाए, काफ़ी करेंगे। ओके, क्वेश्चन 3 पेज नंबर, टॉपिक आपको बता दिया कि इसका टॉपिक है वही
सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए, कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सो पार्ट वन पहले एड्रेस करते हैं। आइडेंटिफाई बहुत इजी होता है, आइडेंटिफाई में हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखना चाहते हैं, जस्ट एक लाइन बस। सो स्ट्रैटेजी फॉर मोबाइल ए, इज लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी एज इट इज बींग ऑफर्ड एट लो प्राइसेस to match the competition. फिर strategy for mobile Z प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एज इट इज परसीव्ड बाय कस्टमर्स एज अ यूनिक प्रोडक्ट with different features compared to competitors. नॉर्मली जब आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि सिर्फ नाम लिखकर चला दें, जैसे पहले के क्लासेस में मैं ये यूज़ कर रहा था। आप लोगों को भी दूंगा अलग से एक डॉक्यूमेंट कि इंस्टीट्यूट ने बताया सारे स्किल असेसमेंट का वर्ब्स का मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज, एस्टैब्लिश और सिलेक्ट आफ्टर कंसिडरेशन। आइडेंटिफाई मतलब रिकॉग्नाइज करो, एस्टैब्लिश करो, एस्टैब्लिश मतलब क्यों ऐसा हो रहा है उसको कनेक्ट करो, और सिलेक्ट आफ्टर कंसिडरेशन। अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ लिख कर बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जस्ट खाली नाम भी नहीं लिखना है, बट आपको थोड़ा सा एक लाइन कनेक्ट करने के लिए चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिकॉग्नाइज, एस्टैब्लिश और सिलेक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड की वर्ब हमारा सेकेंड पार्ट में डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। डिस्कस मतलब थोड़ा सा डरावना सा होता है, आप ऐसा मान लीजिएगा। डरावना डराने के लिए नहीं बोल रहे, मतलब डिस्कस में थोड़ा डिटेल्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो देयर नीड्स टू बी एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब आपको उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बोलना पड़ेगा।
यू नीड टू और मोर डिफरिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, मतलब प्रोज कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज. ऑल्सो एनी डिस्कशन शुड इफ पॉसिबल एंड इन एन आउटकम, कोशिश करके एंड में कोई आउटकम निकाले तो ठीक है. नॉर्मली अगर डिस्कस का बड़ा मार्क्स का आंसर आता है तो हम लोग एंड में आउटकम भी निकालने का कोशिश करते हैं कि कंक्लूजन क्या आया. फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, फिर आउटकम बताओ कि क्या चुनना चाहिए और रीजन्स वाई वर्सेज वाई नॉट, कि या क्यों ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों बता के आउटकम बताओ. मे बी दिस मे बी दैट बता के आउटकम बताओ. आउटकम बहुत बार नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, बट पॉसिबली अगर ला सको तो ला सकते हैं. डिस्कस पे ये ध्यान देना है. और एडवाइस का मतलब मैंने आपको बताया था, एडवाइस एडवाइस मतलब होता है कि आपको बिल्डअप करना पड़ेगा गुड कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट दैट लीड्स टू वन और मोर चॉइसेस फॉर द ओनर्स और मैनेजर्स टू कंसिडर. बेसिकली एडवाइस का अगर ऐसे एक इसका वर्बेटिम मीनिंग निकालोगे तो आपको समझ नहीं आता है, बट एडवाइस का मतलब है कि वो वन और मोर चॉइसेस जनरेट करे. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल के निकल जाएं. आप जितना हो सके ऑल्टरनेटिव सारा बताने का कोशिश करें. और वो ऑल्टरनेटिव पैदा कैसे होगा, बाई एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज़. हर एक इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके एडवाइस करना पड़ता है. ठीक है, सो ये सब प्रैक्टिस होगा हम लोगों का. अभी ऐसे ही मैंने आपको बताया, सारा एक साथ नहीं बता रहा हूँ, जब जब जो जो जैसे लगेगा वैसे वैसे बता रहा हूँ. इसका एक अलग से पेज भी आपको देंगे और समराइज्ड वे में, आप उसका चिंता ना करें. ये पार्ट वन हो गया हमारा. ओके, नेक्स्ट आ रहा है पार्ट टू. अब बोल रहे डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, तो आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो रिस्क इन्वॉल्व. नंबर ए, रिस्क इन्वॉल्व इन लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. रिस्क इन्वॉल्व इन लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. एक बहुत अच्छा पॉइंट वंदना ने रेज किया है कि सर जेड के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि वो निश मार्केट को ज़्यादा टारगेटेड है, तो क्या हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी नहीं लिखकर आंसर में फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आइडियली तो राइट है. फिर आपका अकॉर्डिंगली वो एज जो लिख रहे ना अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे. या फिर प्रेफर्ड क्या है, दोनों लिख दें तो और बेटर है. दोनों लिख दें तो और बेटर है. अगर आप चाहो तो फोकस डिफरेंशिएशन भी मेंशन कर सकते हो. मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए लिख दिया आपके लिए, आप दोनों लिख दे तो बेटर है. इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसमें नहीं लिखा हुआ है, जस्ट टू बी मोर क्लियर विथ यू. सो आ जाइए रिस्क इन्वॉल्व इन लो कॉस्ट स्ट्रेटजी. रिस्क नंबर वन क्या है, एनी प्राइस रिडक्शन इन मोबाइल ए. एनी प्राइस रिडक्शन इन मोबाइल ए विल बी फॉलोड बाय
इक्विवेलेंट प्राइस रिडक्शन बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो इट विल पुट वायरलेस अंडर प्रेशर टू जेनरेट मोर सेल्स क्योंकि सबको ही प्राइस कम कर देंगे तो प्रेशर हो जाएगा ना, सेल्स एक्स्ट्रा नहीं आ पाएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी इट विल हैव टू continuously reduce its cost and sustain। खाली की वर्ड्स नहीं लिख सकते ना आप वर्ड्स याद किए थे रिस्क का कि जैसे ही हम कुछ करेंगे कंप्यूटर भी कर लेगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, तो उसको सस्टेन करना जरूरी था आपको, तो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। वर्ड्स तो मैंने आपको दे दिया था। अनदर रिस्क वुड बी दैट the competitors will also find ways of lowering their cost hence either we need to protect the innovative, in a we नहीं लिखकर company लिखना चाहिए, either the company, थोड़ा language sophisticated लगता है, we से थोड़ा सा informal हो जाता है, either the company need to protect the innovative way of reducing its cost by way of patents, जैसा मैंने जिलेट का एग्जाम्पल दिया था ना आपको कि उसने ब्लेड बनाने का तरीका या रेजर में जो ब्लेड फिट होता है उसका बनाने का जो तरीका है, लेजर को भी जो डिज़ाइन करने का तरीका है, वो सब हर प्रोसेस को पेटेंट करा लिया कि कोई कॉपी नहीं कर पाया उसका लोअरिंग द कॉस्ट वाला टेक्निक को। Or find new ways of reducing costs, or find new ways of reducing costs।
तो कॉम्पिटिटर्स तो मैच करेगा ही, प्राइस मैच करेगा, कॉस्ट भी कम करेगा, तो आपके पास एडवांटेज क्या रहेगा? तो आपको एडवांटेज रखने के लिए पेटेंट करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम नया नया वेज खोजते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेटेंट वाला चीज़ से कॉस्ट रिड्यूस नहीं किए थे, कोई ऐसे सिंपल कोई बुद्धि लगा के किए थे और वो पेटेंटेबल नहीं है, तो और कोई नया बुद्धि लगाओ। लास्टली द क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन मे गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट। द क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन मे गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट। सो देखो, खाली रिस्क बोलने से नहीं होगा ना, तो उसका रिस्क का अंजाम भी बता रहे, आउटकम्स इसी को बोलते हैं हम लोग, कि रिस्क का इम्पैक्ट क्या है। इक्विवेलेंट प्राइस रिडक्शन बाय कॉम्पिटिटर्स, ये एक रिस्क है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आउटकम क्या है या रिकमेंडेशन क्या है? इट विल हैव टू कंटिन्यूअसली रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड सस्टेन। कॉम्पिटिटर्स विल ऑल्सो फाइंड द वे ऑफ लोअरिंग द कॉस्ट। तो आप पेटेंट करो या फिर न्यू वेज खोजते रहो। क्वालिटी डिटोरिएट हो सकता है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। हेंस वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, जो क्या करता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करने देता आपको जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। वैल्यू एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, दैट विल ओनली एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैविंग अननेसेसरी कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। Quality of mobile phones may get impacted due to lowering of the costs. तो उसका कुछ तो निवारण होना चाहिए ना, निवारण है ना, वैल्यू एनालिसिस करो। वैल्यू एनालिसिस क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वैल्यू शॉप मॉडल एक नया उस समय बताया, वैल्यू एनालिसिस में एक नया बताया, पढ़ेंगे अभी आएगा, इसी चैप्टर में आ जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे बिना काम के एक्टिविटी को हटाते, बट वो एक कॉस्टली होता है, बट उससे फिर क्वालिटी खराब नहीं होता है। ओके देख रहे, डिस्कस थोड़ा सा ना मुझे हमेशा खतरनाक लगता है, डिस्कस में बच्चों का इंटरप्रिटेशन कितना आएगा वो मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है। आइडेंटिफाई एडवाइस मुझे ठीक लगता है कि मुझे पता है उसमें बच्चे लिख लेते हैं, डिस्कस में कुछ कुछ ऐसे आएंगे आगे जाके, बहुत लेंदी लेंदी बातें होती हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में, बट ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। नेक्स्ट आ जाओ आप, सेकेंड पार्ट, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी।
दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स ओनली व्हेन द कस्टमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। Firstly, this strategy works only when the customers are not price sensitive. मुस्कान अग्रवाल बोल रही है कि ऑडियो नहीं आ रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर बैक जाके वापस वीडियो में आ जाइए। बाकी सबको आवाज आ रही है ना ठीक से? ओके, रेस्ट ऑल इज ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज कस्टमर्स आर willing to pay for extra feature, Mobile Z will have a competitive advantage. Secondly, the competitors may imitate the features of Mobile Z.
द कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द फीचर्स ऑफ मोबाइल जेड. Wireless should protect its intellectual property rights to prevent this. बट आप जितना ही प्रिवेंट कर लो वो फिर भी कॉपी हो गई. ये दुनिया ऐसी है. ठीक है, दुनिया पित्तल दी. एप्पल ने एक फ़ोन निकाला था, पता है, ऐसा फर्स्ट फ़ोन था एप्पल का, i4 बोलते हैं उसको. i4 बहुत पॉपुलर हुआ था. i4 थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का था, छोटा फ़ोन, 4 इंच का स्क्रीन. स्टीव जॉब्स उसका क्या पब्लिसिटी किया था. सैमसंग एज इट इज़ कॉपी मार दिया पूरा लेआउट. सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन लेके आया. ठीक है, सैमसंग ब्रॉट गैलेक्सी फोन और पूरा पूरा कॉपी मार दिया. लोगों को कई जगह मार्केट में, इंडिया जैसा मार्केट में, तो कंफ्यूजन हो गया एप्पल है कि सैमसंग. उनको डिफरेंस नहीं समझ में आया. उनको लगा दोनों एक जैसा ही तो दिखता है. वो तो सॉफ्टवेयर तो यूज करके समझ में आएगा. वो तो ना थोड़ा सा सैमसंग क्या किया ना, और यूज़र फ्रेंडली बना दिया एप्पल के जैसा इंटरफेस अंदर में, और यूज़र फ्रेंडली बना दिया. बट एप्पल ने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया हुआ था, और फिर एप्पल ने जब देखा कि मेरा ही कॉपी कर लिया है, तो एप्पल ने केस फाइल किया. और सैमसंग केस हार गया. ठीक है, सैमसंग पेड ह्यूज फाइन. वैसे रिसेंट में भी सैमसंग ने फाइन पे किया था, क्योंकि एप्पल अपना जो स्क्रीन है ना वो सैमसंग से ही खरीदता है. तो अगर वो क्राइटेरियाज मीट नहीं करेगा, सही चीज नहीं भेजेगा ना, तो फिर एप्पल ने फाइन कर दिया था सैमसंग को. ओके, बट ये भी एक केस है कि पहले कभी डिज़ाइन कॉपी हो गया था, तो उसका भी फाइन एप्पल ने सैमसंग को कर दिया था. पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट्स बोलते हैं उसको, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट्स, कि एप्पल ने सैमसंग का देखा कि फ़ोन में कुछ मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज किया है वो,
और केस फाइल कर दिया। आप कभी गूगल करके पढ़िएगा, 2011 में बट मैं ये बताना चाह रहा था इस बात से कि कॉपी तो हो ही जाता है फिर भी, बट क्या होता है, आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ठीक से प्रोटेक्ट करते हैं ना, मतलब कुछ पेटेंट वेटेंट करा लेते हैं, तो कॉपी होगा तो आपको फाइन मिल जाएगा, बाद में कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। बट सैमसंग बहुत एग्रेसिव था उस समय, वो एक बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट कैप्चर कर लिया कॉपी कर करके। सैमसंग फिर क्या किया ना, जब समझ में आ गया कि कॉपी हो गया, पता चल गया उन लोगों को, तो सैमसंग इनोवेशन भी बहुत फास्ट किया, फिर बड़ा स्क्रीन का फ़ोन लाया वो, जो एप्पल लाया ही नहीं, बहुत दिनों तक नहीं लाया वो। बड़ा स्क्रीन का फ़ोन ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर गया, ठीक है। दूसरी कंपनी भी सैमसंग को फॉलो की, बट एप्पल पहले वो क्लियर कर रहा था, मेरा पहले इन्फ्रिंजमेंट जो हो गया उसका मैं वसूल करूँ, और बाकी चीज़ को एप्पल तब तक बैकग्राउंड में प्रोटेक्ट करना शुरू किया, बोले कि इन लोग बड़ा फ़ोन ला रहे, मार्केट कैप्चर करें, करने दो, हम लोग थोड़ा आराम से जाएंगे। तब तक वो और इन्फ्रिंजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, मतलब बेसिकली पेटेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, इन्फ्रिंजमेंट ना हो इसका ध्यान रखा, और फिर एक दिन जाके एप्पल भी बड़ा फ़ोन ले आया, और जैसे ही बड़ा फ़ोन ले आया, सारा का सारा मार्केट वापस एप्पल खींच लिया। लोग वेट ही कर रहे थे कि एप्पल भी बड़ा फ़ोन लाए, क्योंकि बाकियों का यूज़र इंटरफेस उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना एप्पल का है, ठीक है। वायरलेस शुड प्रोटेक्ट इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रिवेंट दिस। नेक्स्ट, इफ द रिस्क आर वेल मैनेज्ड बाई वायरलेस फॉर मोबाइल जेड, इट विल बी एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, फर्दर एक और बात इस क्वेश्चन में, एक रिस्क जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करना है, एन एक्सटर्नल रिस्क वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी को लेकर, दैट मे अफेक्ट मोबाइल जेड इज डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। हेंस वायरलेस मस्ट बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। टू अवॉइड रिडंडेंसी ऑफ मोबाइल जेड। अब ये चीज के बारे में
स्टूडेंट्स को जनरली क्लिक नहीं करता। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ ये सब आंसर्स लिखा कर कि सिर्फ स्टीरियोटाइप जो रट के जाओगे वही नहीं लिखोगे, आपको हर एस्पेक्ट को टच करना है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट वाला पॉइंट था, यहाँ पर नॉट प्राइस सेंसिटिव वाला पॉइंट था। लो कॉस्ट लेकर हमें सस्टेन करना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें प्रीमियम प्राइस अगर सस्टेन करना है तो आपको ये सब तो अचीव करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। हो गया सेकंड पार्ट। व्हाट वाज़ द थर्ड पार्ट इन द क्वेश्चन? एडवाइज वायरलेस टू सस्टेन इट्स करेंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए। तो मोबाइल ए के लिए वो करेंट स्ट्रेटजी को सस्टेन करे क्या या कैसे करे, एडवाइज करो। पार्ट थ्री, द करेंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए इज द लो कॉस्ट स्ट्रेटजी विच कैन बी अचीव्ड बाई अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। एक और बात है ना, आप बार बार कंप्यूटर से डर रहे हो, है ना? कंप्यूटर कॉपी कर लिया तो, कंप्यूटर कॉपी कर लिया तो आप भी तो कॉपी कर सकते हो। कॉपिंग द डिज़ाइंस, अगर वो कॉपिंग द डिज़ाइंस और वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, और वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, अरे दूसरा करे तो आप भी तो कर सकते हो। हर समय ये क्यों सोच रहे हो मेरा लेके चला जाएगा, अरे आप भी तो उसका लेके आ सकते हो। और वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, प्रोवाइडेड वो पेटेंटेड नहीं है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हर बार अपना सोचना बहुत कॉस्टली होता है, रादर देन सेल्फ क्रिएटिंग। खुद से सोचोगे, समय लगेगा, कॉस्ट लगेगा, तो वाई यू कैन नॉट कॉपी ऑल्सो, आप कॉपी करो। तो एक मैंने आइडिया दिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉपिंग द डिजाइंस, बल्क परचेजेस, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑफ कॉमन कॉम्पोनेंट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉमन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोबाइल ए एंड जेड, एंड सुपीरियर मैनेजमेंट। ठीक है, साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, छूटो नहीं। अविनाश, बराबर बराबर में लिखो। मैंने आपको क्या बोला, नया फीचर पहले क्या करते हो लोगों, वो वन प्लस में डालते हैं। जब पहली बार कोई चीज़ नया करते हैं ना, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो वन प्लस में कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो प्रीमियम प्राइस में रिकवर कर लेते हैं। एक बार वो वन प्लस में बना बना के सीख जाते हैं और फिर
वही फीचर ओप्पो में डाल देंगे, वही फीचर वीवो में डाल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इधर का जो सीखने का कॉस्ट था वो तो रिकवर हो ही गया। अब एक बार सीख गए तो कॉस्ट कम हो गया, तो कम कॉस्ट वाला चीज़ एनहेंसमेंट के लिए दूसरा नीचे वाला वर मोबाइल फोन्स में भी डाल दो। ऐसे सिनर्जाइज करते हैं जब दो मार्केट के लिए अलग अलग चीज़ हम बना रहे होते हैं। सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ मोबाइल जेड कैन बी लिवरेज्ड फॉर मोबाइल ए। हाँ स्टैंडर्डाइजेशन को लेके ऑलरेडी यहाँ पे बात किया था, तो आप उसको लेके भी अलग से बात कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स विल एनहैंस द क्वालिटी ऑफ मोबाइल ए ऑल्सो। जैसे जो कॉम्पोनेंट ए में भी जा रहा है जेड में भी जा रहा है, तो ए का भी तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गया ना। जेड तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, मतलब जेड में तो प्रीमियम चीज़ जाना ही चाहिए, अब ए में भी वही प्रीमियम चीज़ जा पा रहा है। तो आप क्यों दे पा रहे, क्योंकि आप जेड ए के लिए स्टैंडर्डाइजेशन किए, तो ए की कॉम्पोनेंट दोनों में यूज़ हो रहा है, तो बल्क डिस्काउंट मिलता है हम लोग को परचेज करने पर। विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मोबाइल ए ऑल्सो। ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देयर बाई विल इम्प्रूव इट्स सेल्स। देयर बाई विल इम्प्रूव इट्स सेल्स। जैसे इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज सम फीचर्स ऑफ जेड कैन बी ऑल्सो गिवेन इन ए एट लो कॉस्ट। क्योंकि जेड में सीख लिया, अब ए को ट्रांसफ़र कर दो, स्टैंडर्डाइजेशन से क्वालिटी एनहेंस हो गया, वो ए को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर लिखिए बल्क परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉम्पोनेंट्स विल हेल्प वायरलेस टू नेगोशिएट डिस्काउंट्स ऑन परचेजेस फेवरेबल डिलीवरी टर्म्स एंड लॉट साइज। जो जस्ट इन टाइम का रेफरेंस था क्वेश्चन में, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डिलीवरी शेड्यूल और लॉट साइज डिसाइड कर सकते हो सप्लायर के साथ, प्रोवाइडेड सप्लायर इज़ गिवन अ वॉल्यूम ऑफ वर्क। एंड उससे फ़ायदा क्या होता है, दिस विल रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। थोड़ा अगर आपको याद है इंटर में जस्ट इन टाइम पढ़ा हुआ, वैसे हम लोग के यहाँ पे डिटेल में हैं, बाद में पढ़ेंगे ही हम लोग। दिस विल रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। दिस विल रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। दिस वे वायरलेस
विल बी एबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ मोबाइल ए एंड सस्टेन इट एज वेल। दिस वे वायरलेस विल बी एबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ मोबाइल ए एंड सस्टेन इट एज वेल। तो इसका आंसर में मेरा जो अनुमान है कि अगर हम आपके साथ नहीं किए होते, आपको बोले होते अपने आप करो, तो मेरे अनुमान से आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर लिख पाते बिकॉज इट वुड हैव मैच द पॉइंट्स। नया क्या था? ये नया पॉइंट था कि लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ जेड कैन बी यूज्ड, स्टैंडर्डाइजेशन विल एनहेंस क्वालिटी ऑफ ए ऑल्सो, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ए। इसके बारे में आप नहीं लिखते शायद, आप स्टैंडर्डाइजेशन को लिखते शायद कॉस्ट रिडक्शन के लिए, बट स्टैंडर्डाइजेशन से ए का भी क्वालिटी बढ़ जाएगा जिससे उसका सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, बल्क परचेज से आप JIT को कनेक्ट नहीं करते शायद, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को कनेक्ट नहीं करते। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा तो बेसिकली कॉस्ट सेविंग्स तो हो गई ना। तो कुछ कुछ एड ऑन हर क्वेश्चन में ऐसा होता है जो क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा और आपको उसका हाईलाइट अभी से करते रहना है जिससे कि रिवीजन के वक्त ये सब छूटे नहीं। ठीक है, आप अलग से भी कोई और तरीका से मार्क कर सकते हो सो दैट यू रिकॉल दैट ये मेरा छूटे नहीं, या आप चाहो तो मैंने आपको बोला ना सिंगल पेज रेफरेंस बनाना है सबका, तो इफ़ यू फील समथिंग कैन बी अपग्रेडेड इन योर नोट्स विच विल हेल्प यू टू रिकॉल ऑल दीज अगेन, तो आप वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही नोट्स अपडेट होते रहते हैं टर्म ऑन टर्म, मेरे बैच ऑन बैच नोट्स अपडेट ऐसे ही होते रहते हैं। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हम यहाँ पे ही आ जाएं नोट्स में, कुछ और पॉइंट्स अगर हम लिख पाएँ, कुछ और पॉइंट्स यदि हम यहाँ लिख पाएँ तो इट्स ऑल राइट। जैसे कॉस्ट लीडरशिप में स्टैंडर्डाइजेशन लिखाया, बल्क परचेज लिखाया, लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट लिखाया, आप ये भी लिख सकते हो कि एक्सपीरियंस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंस और फीचर्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकें तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। सो इस तरह से नोट्स में कुछ ना कुछ लिखते लिखते एनहेंसमेंट होते रहता है। तो आप अगर सिंगल रेफरेंस ऐसा बना सकते हो जिससे कि कुछ भी नया कहीं पर भी देखने को मिला, कुछ होता है ना मेरे लिए नया नहीं है तो मेरा छूट सकता है। जैसे मैं एज ए टीचर बहुत बार ऐसे तो डीप में सोचता हूँ कि क्या नया है, बट कभी कभी मेरे नज़र से कुछ नया हो सकता है मुझे ना लगे, आपको लगा तो आप लिख लीजिए ना यहाँ पर। आपका सिंगल रेफरेंस नोट बनना चाहिए जिससे कि आप उसी नोट्स को रिवाइज करके जाएंगे तो आपका हर क्वेश्चन कवर हो जाता है। बट आपको फिर याद भी रहना चाहिए कि किसमें मेरे को क्या बात लिखनी है, ये भी ध्यान रखना है। खाली ये नहीं कि बस नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, फिर ये भी ध्यान रखना होता है कि किस समय पर क्या बात लिखनी है। आई होप ये क्वेश्चन 1, 2, 3 करके आपको मज़ा आया, समझ में आया। ओके, हल्का हल्का ही चल रहे थे तो एज सच कोई ब्रेक का नीड तो नहीं लग रहा है, आप बोले तो हम आगे बढ़ें। जल्दी बोलिए आगे बढ़ें कि ब्रेक चाहिए। टेबल पे ही सब घर पे ही तो बैठ के कर रहे हो, अब मस्त हाफ पैंट मार के बैठे होंगे। ठीक है, वो तो मैं आदमी की तरह शर्ट पैंट ऑफिस की तरह आया हूँ। चाय वाय टेबल पे ही आ जाता होगा आपके, है ना? मालूम था अविनाश बोलेगा ही ब्रेक के लिए, मेरे को मालूम था।
बाकी सब बोल रहे कंटिन्यू करिए। सर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना रहेगा? ये सब कॉमन सवाल है हर बैच का। ओके वेरी गुड, ऑफिस के लिए रेडी होकर बैठे, वेरी नाइस। अच्छा है, नंबर ऑफ क्लासेस कितना रहेगा? कोशिश करेंगे कि 100 के अंदर हो जाए। अभी मैंने भी शुरू किया है भाई, अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 100 के अंदर हो जाए। सौ नहीं जाने देंगे, टारगेट है 85। 85 टारगेट है, जल्दी हो जाए तो सुभान अल्लाह। चलो देखो, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, ठीक है, लिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। और ये है कि मेरे लिए भी एक पूरा, जैसे हर बार बैच चेंज होता है ना, मैंने बोला ना, तो एक नया चैलेंज होता है। एक तो लाइव में पढ़ाना ऑनलाइन में, ये भी एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि ये CA का पूरा एक्सक्लूसिव बैच है, पहली बार हो रहा है। तीसरा चैलेंज है कि केस स्टडीज़ है, तो केस स्टडीज़ के लिए मैंने जो एफर्ट डाला है कि कैसे सारा केस स्टडी को निचोड़ कर मैं पहले नोट्स में डाल दूं, तो मैंने ये एफर्ट जो डाला वो आपको दिखेगा। उसके अलावा पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्स्ट्रा आते रहता है तो मैं लिखते रहता हूँ। अभी सब धीरे धीरे हो सकता है मैट में चला जाए, जैसे आपको जब मैट मिले तो हो सकता है इसका कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो सब मैट में घुसा दूंगा ऑलरेडी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया नोट्स पढ़ाई करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं, तीन मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस करता है, ये मतलब देखता है कि आपका कंपनी स्ट्रेटेजिकली आज कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, पोजीशन क्या है मार्केट में, और इंटरनली आपका क्या हालत है। सेकेंड नंबर ये देखेगा कि आपके यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या हैं जिसके कारण कॉस्ट बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखेगा कि आपका वैल्यू चेन क्या है। अब ये तीनों क्या है उसको समझते हैं। सो पहला है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑन द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। मतलब अगर हम एक कंपनी हैं तो हम एक अपना गोल बना रखें, अब कंपनी के अंदर का जो वातावरण है, यानी कि वातावरण मतलब हो जाता है बेसिकली, ये कंपनी अगर मान लीजिए बड़ा अगर हम बनाते हैं तो अंदर का जो फैक्टर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स, वो गोल को अचीव करने में कैसे काम करेगा, एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपटीशन हो सकता है या फिर कस्टमर्स का माइंडसेट हो सकता है या फिर सप्लायर्स हो सकता है जो एक्सटर्नल है या फिर गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, ये सब मिलकर मेरे गोल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा गोल है यहाँ पर,
ये हमारा इंटरनल फैक्टर्स है और एक्सटर्नल हमारे ये सब कंपटीशन, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट हमें कैसे अफेक्ट कर रहे हैं कि हमारा गोल अचीव करने देंगे कि नहीं देंगे, कितना इजी रहेगा, कितना टफ रहेगा। यही है स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, जिसमें हम समझना चाहते हैं कि व्हाट इज वी आर हैविंग एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल थिंग्स। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक देखना है, दूसरा इंटरनल देखना है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल का वैल्यू, कल्चर और सिस्टम देखना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, ठीक है, इवन गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आ गए। नेक्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और हमारी खूबियां क्या है, कॉम्पिटेंसीज मतलब हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज इन इट्सेल्फ इज नॉट इनफ। रिसोर्सेज बहुत जन के पास हो सकता है, बट आप क्या अपना रिसोर्सेज को अपने गोल के लिए यूज कर पा रहे हो, एबिलिटी टू यूज, कैपेबिलिटीज बोलते हैं हम लोग, कैपेबिलिटीज बोल सकते हैं, एबिलिटी टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज फॉर अचीविंग योर गोल, ठीक है, दैट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज है बट आप उनसे काम ही नहीं करवा पा रहे हो, आप उनको काम दे नहीं पा रहे हो, उनसे काम ले नहीं पा रहे हो, तो कॉम्पिटेंसी नहीं है। लास्टली इट्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कल्चर एंड सिस्टम, मतलब आपके यहाँ का पॉलिसीज कैसा है, पॉलिसीज वे ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट वेज, ठीक है, कि आप इम्पोज्ड स्टाइल में चलते हो कि आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल में चलते हो, इम्पोज मतलब जो बोला वो करो, पार्टिसिपेटिव मतलब नहीं नहीं आप भी बोलो हम भी सुने, क्या बात है, ठीक है, टीम कल्चर है कि नहीं अपना अपना काम रखो, कम्युनिकेशन फ्लो इंटरनली कैसा है, फिर रेमुनरेशन सिस्टम कैसा है, इंसेंटिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, ब्रेकडाउन पॉलिसी चलाते हो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी चलाते हो, क्या चलता है आपके यहाँ, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या, आप क्वालिटी फोकस हो, ठीक है, कि आप खाली कॉस्ट फोकस हो, आप ट्रेडिशनल हो कि आप स्ट्रेटेजिक हो, यही है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कल्चर एंड सिस्टम। ऑलराइट, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपको पता लगाने में हेल्प करेगा कि आप का ओवरऑल स्ट्रेटेजी पर इन सब का इम्पैक्ट कितना है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इतना डीप में जाता है कि वो आपका स्ट्रेटेजिक पोजीशन को असेस करेगा कि आप जिस चीज़ से घिरे हुए हैं वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सेकेंडली आ रहा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। यस, स्वॉट, पेस्टल वगैरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, इसका इलेबोरेशन होगा फर्दर, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए वो होता है स्वॉट, पेस्टल, पोर्टर्स, फाइव फोर्सेस आएगा, घबराइए नहीं। नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस इज व्हाट, पहले आप समझो व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला एग्जांपल में समझाया था कि दीज आर द बेसिस दैट ड्राइव्स योर एक्टिविटी कॉस्ट, दैट ड्राइव्स द कॉस्ट, ठीक है, जो भी कॉस्ट आपके यहाँ लगता है वो किसी कारण से ना बढ़ता है और घटता है, वो कारण खोजना पड़ता है, उसी कारण को हम लोग ड्राइवर्स बोलते हैं। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि हर बड़ा कॉस्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में तोड़ो और हर एक्टिविटी का अपना एक ड्राइवर होगा, उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो। तो ड्राइवर को जब आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो चार तरह का ड्राइवर निकल के आता है। पहला दो है ऑन द बेसिस ऑफ अपोर्शनिंग द कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब वापस रिपीट होगा आपके किस रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, बट फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम टच कर देते हैं। एक है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। सोचो मैंने ऐसे एक चार्ट बनाया, यहाँ पर लिखा आपका एक्टिविटी
सॉरी, यहाँ पे लिखा बीच में एक्टिविटी, इधर लिखा प्रोडक्ट, और इधर है आपका मेन हेड ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एक्सपेंस है आपका रेंट, या फिर कोई एक्सपेंस है मान लीजिए सुपरविजन, ऐसे कोई एक्सपेंस मान लीजिए, पहले वो कॉस्ट एक्टिविटी में जाएगा, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सुपरवाइजर कितना एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है, फिर वो एक्टिविटी का कॉस्ट प्रोडक्ट में जाएगा। तो किसी तरीके से सुपरविजन कॉस्ट को हम लोग एक्टिविटी कॉस्ट में तो डालेंगे ना, किसी न किसी तरीके से सुपरविजन कॉस्ट को हम लोग एक्टिविटी कॉस्ट में तो डालेंगे। तो जिस बेस से आप सुपरविजन कॉस्ट को एक्टिविटी कॉस्ट में डालेंगे, मे बी नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स के बेस पर डाल दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सुपरविजन आवर्स के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस भी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया उस बेसिस का नाम है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, उस बेसिस का नाम है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। और उसी तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब आपने एक्टिविटी का कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो किसी तरीके से तो प्रोडक्ट कॉस्ट में जाएगा वो। अब एक्टिविटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एक्सपेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सुपरविजन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो एक्टिविटी का नाम है मटेरियल रिसीविंग एक्टिविटी, तो मटेरियल रिसीविंग नाम का जो एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन सम बेसिस, दैट बेसिस में भी नंबर ऑफ रिसीट्स, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल्स वेर रिसीव फॉर दैट प्रोडक्ट, तो उसका नाम है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। जैसे हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक एग्जांपल जब किया था ना, तो उसमें मैंने एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आपको दिया था। एक्टिविटी का तो कॉस्ट ऑलरेडी ब्रेक करके दे दिया था मैंने कि टोटल ओवरहेड का 3 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी का ये कॉस्ट है। तो जिस बेसिस से टोटल ओवरहेड कॉस्ट एक्टिविटी में डिवाइड होता है उसका नाम है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, और जिस बेसिस से एक्टिविटी का कॉस्ट प्रोडक्ट में डिवाइड होता है उसका नाम है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि खर्चा क्या है और किस एक्टिविटी में जा रहा है, और एक्टिविटी क्या है किस प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, जो जैसा कंज्यूम करेगा वैसा कॉस्ट बियर करेगा, सिंपल आइडिया। जैसे रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर में अगर रेंट नाम का कोई कॉस्ट है, तो फ्लोर एरिया में आप एक्टिविटी अलग अलग फ्लोर एरिया पे हो रहा है, तो जिस जिस फ्लोर एरिया में जितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है, फ्लोर एरिया 1, फ्लोर एरिया 2, जितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है उस फ्लोर एरिया में आप रेंट कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए। अब एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट जब निकल जाएगा तो एक्टिविटी का कॉस्ट फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड होगा। सो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या है, टू अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द प्रोडक्ट। जैसे कि मशीन आवर्स आप यूज कर सकते हो टू अपोर्शन द मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग एक एक्टिविटी है तो मशीन कॉस्ट को हम प्रोडक्ट में डालना चाहते हैं तो मशीन आवर्स में हम डिवाइड कर दिया। तो मशीनिंग कॉस्ट का पहले कॉस्ट पता करने के लिए रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, फिर मशीनिंग कॉस्ट का कॉस्ट को प्रोडक्ट में डालने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर चाहिए। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द कॉस्ट अगर हम सोचें, जैसे अगर आपको कॉस्ट मैनेज करने का सोचना, आपको अल्टीमेटली ये सब क्यों जानना, अल्टीमेटली जानना तो यही है कि हम लोगों को कॉस्ट कम करना है, हम लोगों को अल्टीमेटली कॉस्ट को कम करना है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ के बिना। तो कॉस्ट कम करने के लिए माइकल पोर्टर का कहना है कि हर कॉस्ट आजकल नए ज़माने में आपका एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ड्राइवर्स उसके आइडेंटिफाई कर लो, और फिर वो ड्राइवर को ही अगर कम कर दोगे तो एक्टिविटी कॉस्ट कम हो जाएगा। जैसे ज़्यादा मशीन आवर्स होगा तो ज़्यादा मशीनिंग कॉस्ट आएगा, तो मशीन आवर्स को कम करोगे तो मशीनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। सो उस लॉजिक से हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर को दो पार्ट में आइडेंटिफाई किया है, एक है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, दूसरा है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एक ऐसा ड्राइवर है जिसका जन्म हो जाता है जिस दिन फैक्ट्री बनता है उस दिन, या फिर फैक्ट्री को जिस दिन चलाने के कुछ ग्राउंड रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, उसके कारण उसका जन्म हो जाता है और फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाते, वो बेस में घुस जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री बना दीजिए, तो हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो
ट्रिक रिलेटेड कॉस्ट को आप जितना ही कॉस्ट ड्राइवर उसका पता कर लीजिए उतना कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में घुस गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप उसको कम कैसे करोगे, क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट्री बिल्डिंग बना ही डाला, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, अब आप रेगुलर बेसिस में उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो। वो वन टाइम जब स्ट्रक्चर बनता है उस समय उसके बारे में सोचना पड़ता है कि अगर हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर फैक्ट्री शेड बना देंगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगा, कोई उपाय नहीं है। अब आप मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रक्चर को तो कम नहीं कर सकते ना, स्ट्रक्चर है तो कॉस्ट है, कुछ उपाय नहीं है। तो इसलिए कुछ कॉस्ट ड्राइवर ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स होते हैं, जिस पे कॉस्ट मैनेजमेंट का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, हो सकता है थोड़ा वे आउट निकले बट बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। सेकेंड होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, जो काम करते करते जनरेट होता है। जैसे आप प्रोडक्शन चालू करिए, अब कुछ कॉस्ट जनरेट होंगे तो उस कॉस्ट को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा उस कॉस्ट का कोई एक बेसिस है जिसके कारण वो कॉस्ट बढ़ रहा घट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, तो जितना प्रोडक्शन करोगे तभी क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट आएगा, और क्वालिटी का एक ड्राइवर हो सकता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, जितना ज़्यादा यूनिट्स आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है उतना ज़्यादा क्वालिटी कॉस्ट आता है। अब ये ऐसा चीज़ है कि आप चाहो तो इसमें मेजर कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कि नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड इतना सारा क्यों है, हम ऐसा कुछ रूल्स बना सकते हैं, ऐसा वे ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड ड्रास्टिकली घट जाए, हो सकता है, ये पॉसिबल है। एग्जीक्यूशनल है ना, तो ये वे ऑफ मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर द वॉल्यूम ऑफ विच आर डिटरमाइंड फ्रॉम द स्केल ऑफ ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टेक्नोलॉजी, लिखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है बट समझने के लिए मैंने आपको समझाया कि वो स्ट्रक्चरल है, वर्ड समझो ना, स्ट्रक्चरल है मतलब वो ऐसा ड्राइवर है जो आपका, जो आपने वॉल्यूम डिसाइड किया, स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किया कि मेरा फैक्ट्री में मैं दिन का 10 लाख यूनिट बनाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आपका मशीनरीज आ गया, उसके हिसाब से जगह आ गया, उसके हिसाब से कुछ कॉस्ट ड्राइवर कमिट हो जाते हैं कि उतना तो आपको वॉल्यूम अब जनरेट करो या ना करो उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटीज जो आप डिसाइड कर लेते हो और जो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लेते हो, वो वन टाइम एक तरह से काइंड ऑफ कमिट हो जाता है। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, द वॉल्यूम ऑफ विच आर डिटरमाइंड फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ डूइंग द बिजनेस, प्लांट लेआउट की एफिशिएंसी, प्रोडक्ट कॉन्फिगरेशन, लिंकेज विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ये बेसिकली वे ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, जो आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हो सकता है आपको पहली बार नहीं समझ में आया कि कैसे करना चाहिए था, तो आपका कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम उस समय ज़्यादा था, बाद में समझ में आने लगा, एक्सपीरियंस आया, तो आपने उसको कम कर लिया और ड्रास्टिक रिडक्शन कर लिया। ठीक है, सो इसके ऊपर एज सच कोई बहुत ज़्यादा आपको अभी इन डेप्थ नहीं जाना है। ठीक है, बस आपको ये नॉमेनक्लेचर्स मालूम होने चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर स्ट्रक्चरल भी होता है, एग्जीक्यूशनल भी होता है। स्ट्रक्चरल मतलब काइंड ऑफ अपने समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये अनअवॉइडेबल जैसा होता है कि काइंड आपका ये कमिट हो जाता है, ये इसमें कॉस्ट सेविंग करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है बिकॉज ये बेसिक रूट से जुड़ गया है, और एग्जीक्यूशनल में आपका बहुत कॉस्ट सेविंग का स्कोप होता है बिकॉज आप टाइम टू टाइम इसमें बहुत ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले हमने पढ़ा स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग, जिसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और आपका वैल्यू कल्चर सिस्टम है। दूसरा हमने पढ़ा कॉस्ट ड्राइवर, जिसमें चार नाम है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर का दो, और रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शनिंग द कॉस्ट का दो, और ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द कॉस्ट का दो, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। ठीक है, चलो अब आ जाओ वैल्यू चेन एनालिसिस। अगेन माइकल पोर्टर ने ही वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू तो क्रिएट होता ही है, तभी वो अपने कस्टमर्स को कुछ बेच पा रहा है। वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब
वर्ड वैल्यू मतलब माइकल पोर्टर बोलते हैं, वैल्यू मीन्स वॉट एवर कस्टमर इज डिजायरिंग, वॉट कस्टमर वॉन्ट्स। बट ऐसा नहीं सोचना कि कस्टमर जो वांट कर रहा है वो वैल्यूएबल है, हर चीज़ वो वांट कर रहा है वो वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक कंडीशन है, एंड इज विलिंग टू पे फॉर, एंड इज विलिंग टू पे फॉर, वो है वैल्यू। अगर विलिंगनेस ही नहीं है पे करने की तो आप उसकी वैल्यू मत समझिएगा। वैल्यू क्या है? कस्टमर वांट्स एंड इज विलिंग टू पे फॉर, ध्यान रहेगा। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज व्हाट एवर कस्टमर वांट्स एंड इज विलिंग टू पे फॉर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है, वैल्यू चेन क्या है? वैल्यू चेन क्या है? वैल्यू चेन का मतलब है, इट इज बेसिकली अ लिंक और लिंकेज ऑफ सेवरल एक्टिविटीज। परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स वैल्यू, ठीक है। मतलब वो चीज क्रिएट करता है जो कस्टमर चाहता है। तो क्या क्या करके एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट कर रहा है? वैल्यू चेन का मतलब क्या है? क्या क्या करके एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट कर रहा है? क्या क्या करके एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट कर रहा है? दिस इज वैल्यू चेन। व्हाट इज वैल्यू चेन? लिंकेज ऑफ सेवरल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स वैल्यू। समझ में आया? सो वैल्यू चेन में माइकल पोर्टर बोलते हैं, मैं जो वैल्यू चेन समझता हूँ एज पर माइकल पोर्टर, तो वैल्यू चेन में उन्होंने बोला कि दो तरह की एक्टिविटीज आती है। वैल्यू चेन में लिंकेज ऑफ एक्टिविटीज है ना, तो वैल्यू चेन में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दो तरह की एक्टिविटीज आती है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरी सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉमन पार्लेंस में देखेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी क्या क्या होती है और सपोर्ट क्या क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए माइकल पोर्टर ने ऐसा एक डायग्राम बना के दिया। प्राइमरी एक्टिविटीज़ एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करती हैं, दीज क्रिएट्स वैल्यू, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है? वैल्यू क्रिएट करना। वहीं सपोर्ट एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है? सपोर्ट एक्टिविटीज का काम होता है सपोर्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़। वो एक्चुअली डायरेक्टली वैल्यू नहीं क्रिएट कर रही होती है, बट सपोर्ट एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है? सपोर्ट करती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। आपको समझ में आया? वैल्यू क्या है? जो कस्टमर चाहता है और विलिंगनेस भी है उसका उस चीज़ को पाने के लिए पे करने का। तो कैसे पता लगाओगे कोई चीज़ का वैल्यू है कि नहीं? अगर कस्टमर मान लीजिए, हो सकता है अलग से उसका पे नहीं करना चाहता है बट वो चाहता है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद रिवीजन क्लास, आप एज अ कस्टमर सोचिए हमारा, आप चाहते हैं बट रिवीजन क्लास का अलग से पे करने का विलिंगनेस नहीं है। समझ गए? रिवीजन क्लास आप चाहते हैं बट अलग से विलिंगनेस नहीं है पे करने का। तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई चीज कस्टमर चाहता है बट अलग से विलिंगनेस नहीं है पे करने का, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे भी देखना पड़ता है। बहुत बार हो सकता है ना किसी पर्टिकुलर चीज का कस्टमर का अलग से पे करने का विलिंगनेस नहीं है, बट जब आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो लेता है तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक फीचर समझता है उसको,
जैसे आपने हमारा रेगुलर कोर्स लिया तो आप समझते कि रेगुलर कोर्स लिया तो फिर रिवीजन तो खुद ही करा दो यार, अलग से क्या लेना, रेगुलर का तो रुपया दे ही रहे। रेगुलर का जो पैकेज है उसका विलिंगनेस पे करने का तब आता है जब आपको अलग से ये भी मिल जाए, बट अलग से इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो रिविजन क्लास का वैल्यू है कि नहीं, समटाइम्स वैल्यू डायरेक्टली नहीं होता, मतलब विलिंगनेस टू पे डायरेक्टली नहीं होता, बट फिर भी इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर इनडायरेक्ट कनेक्शन है तो वैल्यू है, इनडायरेक्ट कनेक्शन भी है तो वैल्यू है। जरूरी नहीं हर समय डायरेक्ट कनेक्शन हो वैल्यू का, इनडायरेक्ट कनेक्शन हो तो भी वैल्यू है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। सो वैल्यू चेन क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं जिससे वैल्यू क्रिएट होगा, और वैल्यू चेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही रियली वैल्यू क्रिएट करती है, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ आपकी प्राइमरी को सपोर्ट करती है। प्राइमरी में 5 एक्टिविटी है जो आपको एकदम बाय हार्ट रखना है, इसमें आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं, और ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। एज सजेस्टेड बाय माइकल पोर्टर, फर्स्ट वन इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मटेरियल को अपने यहाँ पर लेके आना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक माने ट्रांसपोर्टेशन, इनबाउंड मतलब अपने यहाँ पर लेके आना। सेकेंड आता ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब प्रोसेस करो, रॉ मटेरियल को अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो। थर्ड आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब जो फिनिश गुड्स बन गया उसको मार्केट तक पहुंचाओ या कस्टमर तक पहुंचाओ, अपने यहाँ से दूसरा जगह लेके जाओ, आउटबाउंड। फोर्थ वन आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब आप पहले नॉर्मल अगर भाषा में बोले ना, पुराना ज़माना अगर माइकल पोर्टर नहीं होते तो शायद हम खाली प्रोडक्शन या ऑपरेशंस को ही अपना वैल्यू चेन का पार्ट मानते, हम बाकी चीज़ को वैल्यू चेन का पार्ट नहीं मानते। एक्चुअली अगर आप आगे जाके मेरे साथ JIT चैप्टर पढ़ोगे ना, तो JIT चैप्टर यही बोलता है ऑपरेशंस इज द ओनली वैल्यू एडिंग एंड रेस्ट ऑल आर नॉन वैल्यू एडिंग। बट माइकल पोर्टर का परसेप्शन अलग है, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, लेके आना भी वैल्यू एडिंग है। मटेरियल कहाँ कहाँ मिलता है, आप वहाँ से लेके आ रहे हो तो वो भी एक वैल्यू चेन का पार्ट है, प्रोसेस करना भी पार्ट है, पहुंचाना भी पार्ट है। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब है अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, चैनल्स बनाना कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, डीलर कौन होगा, मेरा शोरूम कहाँ पे होगा, कस्टमर मेरे साथ कैसे कनेक्ट करेगा, प्राइसिंग करना, क्या प्राइस होगा, डिस्काउंट्स डिसाइड करना, ये भी एक वैल्यू चेन का पार्ट है। आप इसको वैल्यू क्रिएटिंग ही मानिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा चीज़ बनाया बट कस्टमर्स तक पहुंचाया नहीं, या फिर उसका प्राइसिंग सही नहीं किया, तो वो बनाया नहीं बनाया बराबर हो गया ना। मार्केटिंग एंड सेल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू चेन। एंड लास्टली आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, बिकॉज समटाइम्स कस्टमर डू एड वैल्यू टू दैट, देर मे नॉट बी एनी willingness to pay for it separately, but they buy the main product by seeing its after sale service. ठीक है, तो main product इसलिए बिकता है क्योंकि after sale service भी अच्छा है, समझ गए, वही हमारा revision class वाला हालत। तो after sale service की तरह उसको आप value chain का part माने। I hope आपको 5 नाम याद हो गया होगा, inbound logistic, operations, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस। नाउ टू सपोर्ट दिस वी हैव 4 सपोर्ट एक्टिविटीज। वन इज फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपका मैनेजमेंट क्या है, आपका अकाउंटिंग, आपके यहाँ सॉफ्टवेयर्स क्या है, आपके यहाँ फाइनेंस कितना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सपोर्टिव नेचर के होते हैं, जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कैपिटल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एसेट्स जो भी हैं और कैपिटल जो भी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वेल एज मैनेजमेंट भी जो आपके हैं लोग,
वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है. मैनेजमेंट स्किल्स बेसिक बेसिक बोल सकते हो, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एक अलग किया हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रिक्रूट करना, रेमुनरेशन मैनेजमेंट करना, ठीक है, उनको ट्रेन करना, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अच्छा रुको, मैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर में जनरल मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का जो स्किल्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी कैपिटल के तरह आजकल देखा गया, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तो मेरे स्किल्ड एम्प्लॉयज मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं, बट वो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब हो रहा है कि उनको हायर करना, उनको रिटेन करना, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स का काम है. थर्ड है टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी मतलब कितना आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हो, R&D कितना करते हो, नया टेक्नोलॉजी एनेबल करते हो, चाहे सॉफ्टवेयर्स हो आपका, ठीक है. तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड बिकम्स पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर्स दैट यू आर ऑलरेडी यूजिंग इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इफ यू आर डेवलपिंग योर टेक्नोलॉजी यूजिंग R&D, देन थिंकिंग फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. देखो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड, आपके यहाँ रोबोट्स है जो प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो वो रोबोट्स जो प्रोडक्शन कर लेते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बट रोबोट बनाए जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया. नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट इज बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल ही नहीं, एनी काइंड ऑफ एसेट्स ऑल्सो. ओके, तो फिर आपको प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं अब समझ में आ गया होगा. अब आज का टाइम अप हो गया है, तो हम लोग आगे का पढ़ाई अगला दिन कंटिन्यू करते हैं. आज हमने एक बार प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी ले ली. ऑलराइट, फिर और आगे पढ़ेंगे, अगले दिन कैरी ऑन करते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.